सत्यव्रत जी, स्वागत है आपका। दिल्ली पुलिस की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या अब भी आप कहेंगे कि यह मामला सियासी है, राजनीति से जुड़ा हुआ है? देखिए मनोज जी, जांच होना, निर्णय आना कानून की प्रक्रिया है, उसको होते रहना चाहिए। आरोप चाहे गलत हो या ठीक हो, ये काम मीडिया ट्रायल से नहीं बल्कि जो एजेंसियां हैं उनका काम है, वो करने लग रहे हैं। और आज आपके सूचना के अनुसार पुलिस ने बयान दर्ज भी किया, आगे बढ़ेगी। तो वो बयान दर्ज हो, कौन दोषी है, कौन पाक साफ है, किसने गलत किया, वो तो जांच एजेंसियां, कोर्ट का अपना निर्णय है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति इसमें उसके बाद दोषी मिलने पर नहीं होगी या दोषी मिलने पर हो जाएगी, ये विषय अलग है। दोनों चीजें अलग अलग है। जब एक घटना घटती है तो सब प्रकार के लोग उसको अपने फेवर में करने का प्रयास करते हैं। हमने राजनीति क्यों कहा इसको, क्योंकि ब्रिजभूषण के चुनाव के प्रतिद्वंदी दीपेंद्र हुड्डा जी सीधे सीधे इस आंदोलन को ये कहकर कि हमारा आंदोलन है, तो उससे सियासी एक सिस्टम नजर आता है कि अपनी जेब मिटाने के लिए वो कर रहे हैं। यदि वो ठीक होंगे तो भी वो चलेगा, वो ठीक नहीं होंगे तो भी चलेगा। वो राजनीति जो फेडरेशन जो पहलवानों ने कुछ समर्थन मांगा है तो वो आपसे तो मना किया नहीं है पहलवानों ने कि आप मत आइए, राजनीति से जुड़े हुए लोग तो जाएंगे क्योंकि पहलवानों ने समर्थन मांगा है। जाने दो ना। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि नहीं जाना चाहिए। हमने ये कहा है कि जो राजनेता जा रहे हैं वो पहलवानों के साथ कम और अपनी सियासी रोटियों के लिए ज्यादा। ये कौन सा पैमाना चाहिए हमारी? नहीं, ये कौन सा, ये किस पैमाने से तय होता है? क्या ये किस पैमाने से तय होता है कि वहां जो भी राजनीतिक दल जा रहे हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जा रहे हैं? देखो बदल, मैं पहले कहा ना कि दीपेंद्र हुड्डा जी इस फेडरेशन के अध्यक्ष के चुनाव के नाते उनके सामने थे और कांग्रेस के समय में ही उनको वापस करके इनको बनाया गया, तो कहीं ना कहीं अपनी बाकी कोई मेहमान है पीसीआर हमारे साथ जी, बोलिए आप सत्यव्रत जी। जिस प्रकार से एक बात पूरी करके मैं इसको खत्म करूंगा, जिस प्रकार से वहां के आंदोलन में आंदोलनकारियों की बात जो निकल कर आ रही है, उनके स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, उसमें बहुत से लोग केवल राजनीति के लिए है, उनका खिलाड़ियों के खेल से पहलवानों से कोई मतलब नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति, लेकिन वो राजनीति अपना एक हिस्सा है, खेल अपनी एक जगह है, प्रतिभाएं अपनी जगह है। उन सबके बाद खेल खेलने के बाद भी अपराध माफ नहीं होते और अपराधियों को खेलने से रोका नहीं जा सकता। ये चीजें हमारे सामने रही हैं भी, लेकिन सबको अलग अलग ढंग से खेल प्राथमिक हो, प्रतिभाओं का शोषण ना हो, प्रतिभाओं को देश के लिए खेलते समय देखते समय हम सबका जो मन खुश होता है और देश की जो एक सीना चौड़ा होता है उसको सदा आगे रखना चाहिए, ये प्राथमिकता सबकी बीच में आनी चाहिए। 20 दिन हो गए हैं सत्यव्रत जी बैठे बैठे पहलवानों को।